यूपी के अलीगढ़ में जहरीली शराब पीने की वजह से मरने वाले लोगों का आंकड़ा 22 पर पहुंच गया है, जबकि कई लोग अब भी इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती हैं। इस मामले में 3 अलग अलग थानों में FIR दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। पुलिस ने अनिल चौधरी नाम के एक आरोपी को गिरफ्तार किया है, जो RLD का नेता बताया जा रहा है, जबकि एक और आरोपी ऋषि शर्मा फरार बताया जा रहा है, जिस पर 50,000 रुपए का इनाम घोषित है। इसके अलावा आबकारी अधिकारी धीरज शर्मा को निलंबित कर दिया गया है। और शराब मामले में मरने वालों का आंकड़ा 22 पर पहुंच गया है। जहरीली शराब का ये पूरा मामला, जिसे पीने के बाद मरने वालों का आंकड़ा 22 पर पहुंच गया है और कई लोगों का इलाज अस्पताल में चल रहा है। अजीत हमारे सहयोगी इस वक्त लाइव हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अजीत, मरने वालों का आंकड़ा 22 पर पहुंच चुका है और कई लोग अभी भी अस्पताल में भर्ती हैं। देखिए बिल्कुल फरार, 22 लोगों की शराब पीने से मौत हो गई और इस मामले में एक की गिरफ्तारी हुई और जो फरार है उनके ऊपर 50,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर आबकारी अधिकारी समेत 3 लोगों को निलंबित कर दिया गया है, FIR की गई है, शराब की दुकान को सीज कर दिया गया। और आज अभी थोड़ी देर पहले मुख्यमंत्री ने कहा है कि उत्तर प्रदेश के अंदर जितनी भी शराब की दुकानें हैं सब पर चेकिंग चलाया जाए, अभियान चलाया जाए, क्योंकि 22 लोगों की मौत हो गई और अभी भी आधा दर्जन से अधिक लोग अस्पताल में जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं। तो आखिर ऐसी घटनाएं क्यों होती है, इसके पीछे कौन से लोग होते हैं जिनकी वजह से, क्या आबकारी विभाग और पुलिस विभाग की मिलीभगत से शराब की बिक्री होती है या फिर स्थानीय लेवल पर होती है, इन सब की जांच कराने के लिए आदेश दिया है और गृह विभाग से बाकायदा और पुलिस विभाग से कहा कि अपनी एक पूरी रिपोर्ट बनाकर मुख्यमंत्री को सौंपें। अलीगढ़ के मामले को लेकर उन्होंने अधिकारियों को काफी फटकार लगाई है। ADG जोन जो आगरा है राजीव कृष्णा, वो वहीं पर जो है कैंप किए हुए हैं अलीगढ़ में, SSP अलीगढ़, इसके अलावा DIG अलीगढ़, सभी लोग कैंप किए, क्योंकि बड़ी संख्या में तादाद में लोगों की मौत हुई है और अलीगढ़ के लगभग 6 से 7 गांव जो है शराब पीने से मौत हुई है, तो इसको लेकर सरकार काफी सख्त है। फरा शुक्रिया अजीत।